स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड यूट्यूब आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट एंड यू मस्ट बी ऑलरेडी वॉचिंग योर इंटरेस्ट ऑन यूट्यूब यूट्यूब जो है इट वॉज़ फॉर्म इन ईयर टू थाउजेंड फाइव एंड इट वॉज़ टेकन ओवर बाई गूगल आफ्टर वर्ड्स और इस वक्त इसके अंदर जो है तकरीबन तो जो आपके टू पॉइंट सिक्स बिलियन टोटल यूज़र हैं वो लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं और जो कोर्स हर रोज़ तो इतने नहीं करते लेकिन टोटल इतने लोग हैं जो इसके सब्सक्राइबर हैं या जिनके अकाउंट्स हैं उनको अगर आप टोटल देखिए तो वी कैन से टू थर्ड ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ जो दुनिया की आबादी है वो इसको यूज़ करते हैं कि सौ में से तकरीबन सिक्सटी सिक्सटी फाइव परसेंट लोग इसको यूज़ कर सकते हैं करते हैं बल्कि तो कर तो सभी सकते हैं लेकिन इतने लोग हैं जो इसको यूज़ कर मीनस के दिस इज़ वन ऑफ़ दी अगेन वेरी वेरी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है आपका जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर भी जो आपके वी लॉग्स हैं मोस्टली लोग वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो उनको शेयर करते हैं अब इसकी जो यूट्यूब का जो एनालिटिक्स है जैसे थोड़ा सा मैंने आपके साथ फेसबुक का एनालिटिक्स शेयर किया एंड जस्ट टू रिमाइंड यू कि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ये सारे प्लेटफॉर्म्स को अंडरस्टैंड करने का फिर इनके ऊपर क्या एनालिटिकल जो फीचर्स अवेलेबल है एंड देन बेस्ड ऑन दैट फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या जो भी आपका रोल होगा एज़ ए डाटा साइंटिस्ट फिर आप इनको कैसे यूज़ करेंगे और दिस इज़ अ मेजर मेजर फील्ड आई एम टेलिंग यू कि ये एक अमरजिंग एरिया जिस जो सोशल मीडिया एनालिटिक्स का जो आपके सोशल ग्राफ आप उसको किसी भी एंगल से या परस्पेक्टिव से देखें अगर ये माइनिंग सोशल नेटवर्क सोशल मीडिया ग्राफ्स सोशल मीडिया एनालिटिक्स बट एवरी थिंग इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सेम आइडिया कि जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको लोग या जो ऑडियंस है वो किस तरह से उसके साथ एंगेज किस तरह से है और उससे क्या वट वैल्यू इज़ बीग जनरेटेड राइट तो नंबर ऑफ़ व्यूज़ इसमें मैटर करते हैं आपके नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स लाइक्स डिसलाइक्स कमेंट्स फिर लोग जैसे देते हैं जैसे मैंने बताया कि फिर लोग कमेंट्स देते हैं वो जो इंगेजमेंट का नेक्स्ट है कमेंट्स देना एक तो ये कि आपने देखा कोई चीज़ खोली पसंद आई नहीं पसंद आई आपने उसको बंद कर दिया फिर उसकी ड्यूरेशन डु, है ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके ये जो कोर्सेज़ हैं ये जो लेक्चर्स हैं आपके इनकी जो इंगेजमेंट है यूट्यूब की इंगेजमेंट भी उसी तरह से है फिर आपके फेवरेट्स हैं लोकेशन जेंडर या कुछ इसके अलावा भी आप फिर इनको टॉपिक पे और कई और चीज़ों पे जो है इनको फर्दर क्लासीफाई uh, करके क्लस्टरिंग करके या वट एवर वे यू डिसाइड आप इसके ऊपर और कई तरह के एनालिटिक्स भी कर सकते बट दीज आर सम ऑफ दी एनालिटिक्स जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है अब इससे आप आ, आ, क्या कर सकते हैं कि आपकी जो फ्यूचर की वीडियोज़ है जो जैसे मैंने ड्यूरिंग लास्ट उसमें बात की कि जब वो आपके पास फीडबैक आती है तो आप अपनी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है उसको आप फिर अमेंड कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं बेहतर कर सकते हैं ताकि आपका उसके दो एडवांटेज एक तो ये कि आपका जो ऑडियंस है जो आपके फॉलोअर्स हैं दे विल अंडरस्टैंड के आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को पोस्ट करते हैं या उसके अंदर चेंजेस लेके आए हैं और वो फिर आपकी फॉलोरशिप जो है वो और बढ़ती है बेसिकली इस तरह से या उनके जो इंगेजमेंट है उसकी ड्यूरेशन बढ़ती है फिर आप इसके और भी कुछ के अंदर मॉडल्स होते हैं कि आपका फ्राम यूट्यूब आप किसी को अपने पर्सनल चैनल पर ले जाएँ आप फ्राम यूट्यूब या फ्राम फ़ेसबुक किसी को अपने जो ई कामर्स वेबसाइट है वहाँ पर ले जाएँ जो विजिटर है सो दे सो मैनी आस्पेक्ट्स ऑफ इंगेजमेंट एनी वेज इंगेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी सब्सक्राइबर आपका फॉलोअर आपको जो भी आपके पेज पे आता है आपके अकाउंट को टच करता है वो आपका होना ये चाहिए कि दे यू शुड बी एबल टू इंगेज देन राइट ये वो ही के कॉन्टेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए उसकी कन्फिग्रेजेशन ऐसी होनी चाहिए व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हों ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें उसको तो ये बेसिकली जो स्ट्रेटजी है बिहाइंड सोशल मीडिया यूट्यूब के हवाले से भी हम बात करें बट दिस इज़ एप्लीकेबल देखिए जैसे एक लफ्ज़ जो मैं आ, बार बार यूज़ करूँ दैट इज़ एंगेजमेंट दैट इज़ हो यू मीन नॉट यू इन पर्सन जिस भी बंदे का वेब पेज है उसकी वो अपना उसका सोशल मीडिया का पेज है कि वो किस तरह से जो उसके फॉलोअर्स हैं जो लोग उसके फ्रेंड्स हैं उनको आप किस तरह से इंगेज करते हैं अब जब आपको किसी भी चीज़ पे ज़्यादा लाइक मिलते हैं ज़्यादा वो कमेंट्स आते हैं तो फिर आपको ये पता चलता है कि लोगों को क्या चीज़ पसंद है और फिर इसमें डिसलाइक्स भी आते हैं नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं और फिर वो जो टेक्स्ट का एनालिसिस है जो हमारे पास एक और टेक्निक है एन की विच इज़ कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उसको यूज़ करते हुए आप किस तरह से इसको जो है ना सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं और एक केस स्टडी भी मेरे पास है जहाँ पे हम एनएलपी की टेक्निक टेक्निक्स को यूज़ करेंगे टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट यू you नो know, एक जो भी कोई एक मेजर टॉपिक है उसमें आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं अब यहाँ पे आप देखिए आपको कुछ जो है ना वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में जो यूट्यूब का अगेन जैसे मैंने बताया कि ये जितने भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं सब के अंदर बिल्ट इन एनालिटिक्स अवेलेबल है तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है जस्ट गो टू सेटिंग वगैरह में जाके आप देखेंगे तो आपको एनालिटिक्स इसके नज़र आ जाएंगे एंड देन यू कैन फाइंड आउट तो इसमें अब आप देखिए कि आपके पास ये जो डिफरेंट ये डिसलाइक्स हैं एवरेज व्यूज़ उसकी परसेंटेज है ये आपके पास जो है टोटल व्यूज़ कितने हुए तो ये डिफरेंट जो आपके पास जो है स्टैटिस्टिक्स हैं और ये नंबर है उनके शेयर्स के कितने आपके शेयर्स हुए वो जो जो भी वीडियो थी अक्सर ये होता है आपको कोई वीडियो पसंद आती है आप उसको शेयर करते हैं अपने सर्कल में या अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर और भी कुछ जैसे फेसबुक में है कि आप उसको कई तरीके से पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप के साथ प्राइवेट ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं आप अपनी पोस्ट में उसको लगा सकते हैं तो देर देर सो मैनी वेज और ये फिर ये भी कि ये एक दूसरे से ये भी इंटरेक्ट करते हैं कि फ्रॉम वन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अपने जो आपका जो कंटेंट है आप उसको शेयर कर सकते हैं ये अब आप देखिए तो इसमें ये गल मेरा अपना ही मैंने कहा आई डू नॉट डू मच ऑन दिस लेकिन बताने का मकसद ये कि आप जाइए आप अपना अगर अकाउंट बनाएंगे तो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ये जो सारे जो स्क्रीन शॉट शेयर करने का मकसद ये है कि यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस आप जाओ फेसबुक पे आप जाओ जहाँ पे भी आपका अकाउंट है तो अगर अकाउंट नहीं है तो बनाएं अपना अकाउंट और फिर उसके बाद आप इसको देख सकते हैं तो ये इसमें आप देखिए कि ये अपना दिस इज़ माई पर्सनल अकाउंट ये इसके अंदर डैशबोर्ड कॉन्टेंट्स प्ले लिस्ट एनालिटिक्स यू you नो know, जब आप एनालिटिक्स को देखेंगे तो उसके अंदर फिर आपके के पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि व्यूज़ कितने हैं कितनी देर किसी ने देखा आपके सब्सक्राइबर कितने और फिर ये उसकी डेट्स हैं क्योंकि ये स्क्रीन आई हैव जस्ट टेकन रिसेंटली तो ये आपको ये डेट्स भी नज़र आएंगी इफ़ आई एम कंसिस्टेंट और यू आर कंसिस्टेंट ऑन दी YouTube तो फिर आपको यहाँ पे अपने कंटेंट भी नज़र आएंगे कि आप में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपके अकाउंट में